चलिए दोस्तों, आज हम लोग जिस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जो भगत सिंह जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इनके बारे में तो आप लोग बहुत डिटेल जान ही रहे होंगे, क्योंकि भारत का वह युवा है जिनको बहुत कम उम्र में फांसी दे दिया गया था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, और पता होनी चाहिए कि इनका जन्म स्थान बंगाचक में हुआ था, जो अभी वर्तमान में लायलपुर में पड़ता है, जो पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और इनको जो शहादत मिली थी यानी फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को 7:33 पर, उस षड्यंत्र केस में फंसाकर फांसी दिया गया था। ठीक है, नहीं तो इनको फांसी नहीं दिया जाता। ठीक है, इनका पैतृक जो गांव था, पैतृक गांव कहने का मतलब है कि जिस गांव में इनके पिताजी का जन्म हुआ था उसका नाम है खट कलान, जो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या एक, एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? सुन लीजिए पहले दोस्तों ध्यान से, कि जो भी मैं प्रश्न पहले बोलूंगा उसको आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, और जो सबसे ज्यादा प्रश्न का जवाब देंगे और ज्यादा सही भी होना चाहिए उनको तो विशेष तरह से कॉमेडेटर के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, इसलिए चलिए हम बोलना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन बोले हैं, ऑप्शन तो आप लोग के सामने है ही है, तो भगत सिंह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था एक लेख और एक पत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। प्रश्न संख्या दो, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? हमको यही जान जाना है, तो ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट रहिएगा तो याद हो जाएगा, यदि कंसंट्रेट नहीं रहिएगा ना तब तो आपको याद नहीं रहेगा। तो लाला लाजपत राय जी के ही सहयोगी थे, यानी कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या तीन, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? सुनिए ध्यान से, तो इन्होंने जो नौजवान भारत सभा का गठन किया था वो 1926 ईस्वी में किया था, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या चार को देखते हैं, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? सुनिए ध्यान से, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, यानी इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या पांच को देखते हैं हम लोग, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? क्रांतिकारी का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि देश को आजादी दिलाने के लिए हर एक जगह क्रांति को छेड़ना। ठीक है, तो प्रश्न तो सुन लिए होंगे आप लोग ध्यान से, और ऑप्शन तो आपके सामने है, सुनिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जिस समय वो क्रांतिकारी में भाग लिए थे उस समय उनका उम्र 12 वर्ष हुआ था, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या छह, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? ठीक है, तो चलिए, तो जो 1921 ईस्वी में हुआ, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग 1921 ईस्वी में हुआ, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या सात, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? यानी कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह जी अपना पार्टी को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं,
तो कौन सा पार्टी था, तो वही हम लोग को जान लेना है। तो गदर पार्टी, 1914 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा जगह है और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ के दरोगा सहित सिपाहियों को जनता ने जला दिया था, और ये जो आंदोलन किया था उसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो इसमें जो परिवेश है वो भगत सिंह जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन। तो वो पत्रिका जो था प्रताप था, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इतना अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लिए, फिर हम लोग कुछ सेकेंड के बाद मिलते हैं, तब तक क्लास से जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तब तो पता लगेगा कि कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, सब कोई सब विद्यार्थी देख रहा है, ठीक है। और इससे एक जो मतलब ये संधारित्र है, कमेंट करने में पीछे मत जाइए। हाँ चलिए छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लोग आ गए, अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था, देखिए सोचने वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रेम, भगत सिंह के हृदय में प्रेम का कोई स्थान नहीं था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, इस ऑप्शन में हमको बताना है कि भगत सिंह किससे घृणा करते थे, कायरतापूर्ण मानते थे, ठीक है। तो आत्महत्या, वो आत्महत्या जो शब्द है इससे बहुत वो घृणा करते थे और इसे कायरतापूर्ण मानते थे। वो ऐसा मानते थे कि जो कायर व्यक्ति होते हैं वही आत्महत्या करते हैं, यानी कि आत्महत्या करने का मतलब होता है अपने जीवन पथ अपने जीवन यापन करने से डरना, अपने जीवन जीने से डरना। तो खुद को जीवन जीने से डरना नहीं चाहिए, इसलिए आत्महत्या किसी को नहीं करना चाहिए, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, ऑप्शन आपके सामने है और कमेंट कीजिए। तो नौजवान भारत सभा, भगत सिंह जी 1926 में जो गठन किए जिस दल का, उस गठन का नाम था नौजवान भारत सभा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14।
भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्युदंड का, उनको पहले से विश्वास था कि मृत्युदंड ही मुझे दिया जाएगा, क्योंकि जो अंग्रेज थे उसके व्यवहार से आप लोग तो अवगत होंगे ही, और उस समय आप लोग समझ जाए कि वो तो भोग चुके थे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रिंस क्रोपो, देखिए सुनिए ध्यान से, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, हमको यही बताना है प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। तो अर्थशास्त्र का विद्वान था, जो प्रिंस क्रोपोटकिन था ना वो अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, भगत सिंह को फांसी दी गई, कब फांसी दी गई, ठीक है, ये तो शुरुआत में ही बोल चुके हैं तो आप लोग को याद हो गया होगा, बताइए। तो उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी, और पता होनी चाहिए कि सबसे कम उम्र में किसी भारतीय को फांसी दी गई, तो उनका नाम है भगत सिंह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, एक लेख और एक पत्र की रचनाकार कौन है, इसका तो उत्तर आप लोग को पता होगा क्योंकि हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया है एक लेख और एक पत्र, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न संख्या को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। हाँ दोस्तों, भगत सिंह जी जब वो केंद्रीय असेंबली लगा हुआ था अंग्रेजों का, उसमें बम फेंके, तो उनका ये इच्छा नहीं था, किसी की जान लेने का इच्छा नहीं था, उनको केवल भारतीय के पास कितना शक्ति है, भारतीय क्या क्या कर सकता है, केवल वही रोष दिखाना था, अंग्रेजों को केवल डराना था, ठीक है, इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को वो असेंबली में बम फेंके थे, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, ऑप्शन सामने है, पढ़िए और इसका उत्तर सही सही बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वही प्रताप के संस्थापक थे, प्रताप का संस्थापक कौन किया था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये दोहरा रहा है उत्तर क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रश्न संख्या दोहरा रहा है तो उत्तर तो पता ही होगा आप लोगों को। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, यानी आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 21, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, सुनिए ध्यान से और फिर बताइए, बताने की कोशिश कीजिए। तो उनके चाचा का नाम था अजीत सिंह, जो आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था कौन सा निबंध, जिसका नाम था विद्यार्थी और राजनीति, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न संख्या को बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकली थी, सुनिए ध्यान से, तो मतवाला पत्रिका जो निकली थी वो स्थान का नाम था कलकत्ता, ठीक है, जो अभी नाम बदल चुका है, कोलकाता हो चुका है।
है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। भगत सिंह किससे प्रभावित हुए थे? हाँ, भगत सिंह किसके व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, वही हम लोग को देखना है, वही क्वेश्चन हम लोग को देखना है। तो कार्ल मार्क्स के व्यवहार से बहुत ज्यादा भगत सिंह प्रभावित थे, यानी जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, जो साम्यवादी विचार का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या का हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है, बताना है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है। चलिए देखिए ऑप्शन और फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो भगत सिंह का, यानी कि जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह का लेख था। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, हाँ प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, बंदी जीवन किसकी कृति है? सुनिए ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट रहिए। ठीक है, तो सचिंद्र नाथ सन्याल की, बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है, यानी जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों एकदम ध्यान यही रखिए, और इस लॉकडाउन में टाइम बहुत मिल रहा है तो खूब बहुत ज्यादा समय तक स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए, वो भी मनोरंजन के साथ कीजिएगा, ज्यादा टेंशन लेकर नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 27। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताना है हमको कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा था, पता होना चाहिए। भगत सिंह किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि पता होना चाहिए कि जो भगत सिंह बम जिस असेंबली में फेंके थे वो अकेले नहीं थे, तीन थे, जिसमें से एक तो डर के चलते आत्महत्या कर लिए, लेकिन दो को फांसी की सजा दिया गया। उनके दोस्त का ही नाम है सुखदेव, और उन्हीं को पत्र ये लिख रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चलिए पढ़िए ध्यान से, फटाफट उत्तर बताइए। तो भाई थे, क्या थे? भाई। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के भाई थे, यानी जो ये उत्तर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं, हाँ प्रश्न संख्या 29। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तब तो इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न दोहरा पहले हो गया है, ठीक है, और उसी पे दोहरा रहा है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, तो जो इसका उत्तर होगा वो प्रताप होगा, यानी क्या होगा उत्तर? प्रताप होगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे इनका जो पत्रिका था वो प्रताप था। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है और वो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 30। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को वो बम असेंबली में फेंके थे, लेकिन वो बम जो था नकली था, केवल डराने के लिए था, आवाज ज्यादा करता था, वो ऐसा बनाया गया था कि केवल उस आवाज से डरे लोग, लेकिन उसको असली मान लिया गया, षड्यंत्र में फंसा दिया गया और भगत सिंह को फांसी दे दिया गया।